डेविड गॉगिंस दुनिया भर में डिसिप्लिन के एक प्राइम एग्जाम्पल हैं। उन्होंने हम सबको प्रूव कर दिया है कि जब आप मेंटली स्ट्रांग होते हो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। लेकिन डेविड ऐसे पैदा नहीं हुए थे। उन्होंने कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स यूज करी थी जिनसे उन्होंने अपने आप को गॉगिंस बनाया, जो आप इस वीडियो में जानोगे। डेविड ने ये टेक्निक्स बनाई क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं था। बट जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि इन सारी टेक्निक्स की साइंटिफिक बैकिंग है, विच मेक्स देम इवन मोर लेजिट। ये टेक्निक्स बहुत पावरफुल है और उतनी ही डेंजरस भी। आपके अंदर एनर्जी का एटॉमिक बॉम्ब फोड़ सकती हैं, तो आप इनको प्लीज केयरफुली यूज करना। फर्स्ट है द कुकी जार। रात के टाइम कड़कड़ाती ठंड में डेविड गॉगिंस कोलैप्स होने वाले थे। वो थे हेल वीक में, जो नेवी सील्स का सबसे ब्रूटल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और वो अपनी लिमिट्स पे आ गए थे। उनकी बॉडी में दर्द हो रहा था, उनका दिमाग फॉगी था, और इंस्ट्रक्टर्स की चिल्लाहट उनके कान में चुभ रही थी। उनके आसपास उनके साथी गिव अप कर रहे थे, अपने सपनों को त्याग रहे थे। गॉगिंस को पता था कि उनके पास एक चॉइस थी, या तो वो सरेंडर कर सकते थे और हार मान सकते थे, या वो कोई तरीका निकाल सकते थे आगे बढ़ने का। उनका दर्द अपनी लिमिट पे आ गया था, लेकिन उतना ही ज्यादा उनका डिटर्मिनेशन था जो उन्हें इस मुकाम तक लाया था। गॉगिंस ने रियलाइज किया कि उनको एक बहुत गहरी चीज चाहिए, एक ऐसा अटूट मेंटल स्टेट जिसकी वजह से वो आगे बढ़ पाए। उन्होंने खोला अपना कुकी जार, एक मेंटल बैकअप एनर्जी का। इसमें उनकी सारी मेमोरीज थी जो उनको याद दिलाती थी कि वो कितने स्ट्रांग है। जैसे ठंडा पानी उनके ऊपर आ रहा था, गॉगिंस ने अपना अब्यूजिव चाइल्डहुड याद किया, 3 महीने में 100 पाउंड लूज करने की जर्नी याद करी, अपने सारे अकॉम्प्लिशमेंट्स याद किए जो उन्हें गॉगिंस बनाते हैं। हर मेमोरी उनके लिए एक रिमाइंडर था कि उन्होंने इम्पॉसिबल चीजों को फेस किया और वो उसके आगे बढ़े। जैसे जैसे वो ये कुकीज निकालते गए, उनकी एनर्जी बढ़ती गई। गॉगिंस ने अपने आप को वापस फेंक दिया हेल वीक में। उनके लिए मुश्किल था, लेकिन अब वो अकेले नहीं थे। उनके पास उनके पास्ट सक्सेसेस थे जिसकी वजह से वो आगे बढ़ पा रहे थे। गॉगिंस ने हेल वीक कंप्लीट किया सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 3 बार, और जितनी बार उन्होंने हेल वीक झेला उतनी बार उनके कुकी जार में एक और मेमोरी बढ़ गई। ये कुकी जार एक तरीका है अपनी अंदर को स्ट्रेंथ निकालने का। लेकिन ये मेथड काम क्यों करता है, इसका बहुत ही सिंपल साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। साइकोलॉजिस्ट अल्बर्ट बंडूरा की सेल्फ एफिकेसी थ्योरी। इसके हिसाब से किसी भी इंसान का काम सक्सेसफुली खत्म करने का डायरेक्ट रिलेशन है उसके बिलीफ में कि वो ये काम कर पाएगा या नहीं। बंडूरा ने ये देखा कि जब लोग अपने पास सक्सेसेस को ध्यान में रख के कुछ काम करते हैं तो वो और डटे रहते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अल्टीमेटली वो सक्सीड करते हैं। तो आप अपना एक कुकी जार बनाओ अपने सारे सक्सेसेस का। अगर बड़े सक्सेसेस नहीं है तो छोटे से स्टार्ट करो। मैं एक हफ्ता रेगुलर जिम गया, मैंने एग्जाम में 90% स्कोर किया। ये सब भी कुकीज हैं आपके कुकी जार के लिए। फिर जब भी कोई काम में हार मानने का मन करे, अपने कुकी जार को खोलो, याद करो कि आप क्या क्या अचीव कर चुके हो और आगे बढ़ो। सेकेंड टेक्निक है अकाउंटेबिलिटी मिरर। डेविड गॉगिंस हमेशा से इतने फिट या डिसिप्लिन नहीं थे। जब वो कॉलेज में थे तो अटेंडेंस लो होने की वजह से वो फेल होने वाले थे। अपनी मदर के साथ रहते थे और उनसे भी बहस हो गई, तो वो अपने फ्रेंड के घर पे ठहरने लगे। एक दिन उनकी मदर का कॉल आया, तुम्हारे कॉलेज से लेटर आया है, तुम फेल होने वाले हो। डेविड के पास पैसे भी खत्म हो गए थे, तो अल्टीमेटली वो भूखे पेट वापस घर ही आए। उनकी मदर ने उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी शक्ल पे डिसअपॉइंटमेंट बहुत क्लियरली दिख रहा था। उस रात नहाने के बाद डेविड अपना रिफ्लेक्शन मिरर में देखने लगे। उनको अपना रिफ्लेक्शन पसंद नहीं आया, उनको गुस्सा आने लगा, मिरर को पंच करने का मन कर रहा था। उन्होंने कहा, तुम क्या समझते हो अपने आप को, तुम्हारे जैसे बंदे को मिलिट्री में कोई लेगा? वो अपने आप से ब्रूटल ऑनेस्टी से बात करने लगे। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, तुम्हारी माँ नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। फिर उन्होंने पोस्ट नोट्स पे अपने गोल्स लिखे और मिरर पे चिपकाया, मेक योर बेड, रोज बर्तन साफ करो, घास काटो। वो अपने आप के लिए एक तरह से मिलिट्री इंस्ट्रक्टर बन गए। ये उनका डेली रिचुअल बन गया। हर दिन शेव करते टाइम वो अपने आप से ब्रूटल ऑनेस्टी के साथ बात करते थे और अपने गोल्स लिखते थे। अल्टीमेटली यही करके वो वापस फिट बने, अपने ग्रेड्स बचाए और मिलिट्री ज्वाइन किया। मिरर बहुत पावरफुल टूल हो सकता है सेल्फ रिफ्लेक्शन का। ज्यादातर लोग इसको पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए यूज करते हैं, और उसी तरह से आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। एक स्टडी की थी डोवाल एंड विकलुंड ने, जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को मिरर के सामने बैठाया और उनसे कुछ काम कराया या क्वेश्चंस पूछे। उन्होंने ये पाया कि जब लोग मिरर के सामने होते हैं तो उनकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाती है और वो अपना बिहेवियर और कंट्रोल कर पाते हैं। एक और स्टडी में ये देखा गया कि जब लोग मिरर के सामने होते हैं तो वो कम कचरा भी फेंकते हैं, मतलब कि लोग और ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं अपनी बिहेवियर के बारे में। तो इसको आप भी यूज कर सकते हैं। एक मिरर ढूंढ लीजिए और उसको कोई ऐसे क्वाइट स्पेस में रख दीजिए जहाँ पे आप अकेले रह सकें और कुछ टाइम के लिए सोच सकें, अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स, अपनी वैल्यूज और जो भी चीजें आपको चाहिए लाइफ में उनको आप लिख दीजिए। इन गोल्स को या तो आप मिरर पे चिपका सकते हैं या ऐसे मार्कर से लिख सकते हैं जो मिट जाए। एक बार जब आप ये कर लेंगे तो ये मिरर एक विजुअल रिमाइंडर बन जाएगा
रहेगा आपके लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन का। हर दिन कुछ टाइम निकालिए इस मिरर में अपने आप को देखने के लिए और अपने गोल्स को पढ़ने के लिए और अपने प्रोग्रेस के बारे में सोचिए। अपने आप से ब्रूटल ऑनेस्टी से बात करिए और क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछिए, क्या मैं अपनी वैल्यूज को जी पा रहा हूं या मैंने क्या स्टेप्स लिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट टेक्निक है हेटर्स मिक्सटेप। मैं तुम्हारी बकवास सुन के थक गया हूं, आई होप कि तुम कभी दौड़ ना पाओ। ये कमेंट्स थे डेविड गॉगिंस की एक इंस्टाग्राम पोस्ट पे जिसमें उन्होंने अपनी इंजरी की फोटो डाली थी। हो सकता है आप डेविड गॉगिंस के फैन हो या उनकी लाइफ से इंस्पायर होते हो, लेकिन ऐसे करोड़ों लोग हैं दुनिया में जिनको दूसरों की ग्रोथ से प्रॉब्लम होती है, जो बैठे रहते हैं साइड में और आपको देखते रहते हैं और जैसे ही आप लड़खड़ाते हो आपके ऊपर कूद पड़ते हैं। ये लोग आपको कहेंगे कि वो आपके वेल विशर हैं या वो प्रैक्टिकल सोचने वाले हैं, लेकिन असल में ऐसे लोग दूसरों को सिर्फ नीचे खींचना चाहते हैं। जब आप सक्सीड करोगे तो बोलेंगे कि कहां तक जा पाओगे भाई, जब आप फेल करोगे तो हजारों सजेशंस देंगे, आपकी कमियां निकालेंगे। डेविड गॉगिंस ऐसे लोगों के कमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं और उनका मिक्स टेप बनाते हैं। उनके कमेंट्स बार बार म्यूजिक की तरह सुनते हैं। इससे उनके अंदर एक आग जाग जाती है कि मुझे दिखाना है इन लोगों को, मैं हार नहीं मान सकता। आपको ये याद रखना है, आप चाहे जितना भी अच्छे काम करते हो, जितना भी लोगों की मदद करते हो, इस तरह के लोग हमेशा रहेंगे आपको नीचे खींचने के लिए। तो उनकी नफरत से उदास होने के बजाय उसको एक स्लिंग शॉट की तरह यूज करो और आगे बढ़ने के लिए। तो इस टेक्निक को यूज करने के लिए आपको सिर्फ कमेंट्स या डाउट्स लिखने जो दूसरों ने आपके बारे में कहा है और फिर आपको अपने फोन के रिकॉर्डर में उसको रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट, जब भी आपको पढ़ाई करने का या काम करने का मन ना करे या थोड़ा और सोने का मन करे तो इस मिक्स टेप को आपको सुनना है। अगर गुस्सा फील हो रहा है तो उसको यूज करना है आप। लेकिन एक चीज जरूर यहाँ पे याद रखना, इस नेगेटिविटी में आपको फंसना नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं मोमेंट्स के लिए रखो जब आपको अपने आप को पुश करना हो। एंगर हमें यूज करना आना चाहिए, लेकिन एक एंग्री इंसान हमें नहीं बनना। इसके साथ साथ अगर आप मेडिटेशन भी सीख लोगे तो आप और बैलेंस्ड रहोगे। नेक्स्ट है द 40% रूल। डेविड गॉगिंस जब अल्ट्रा रेसेस में दौड़ते हैं तो वो कभी आसान नहीं होती है। कई 100 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है एक टाइम लिमिट के अंदर और अलग अलग टाइप का मौसम झेलना पड़ता है। लेकिन गॉगिंस ऐसे आदमी है कि उनका फ्रैक्चर होता है तो वो डक टेप लगा के आगे बढ़ते हैं। उनकी बॉडी जब कांपने लगती है तो वो चिल्ला चिल्ला के और तेज भागने लगते हैं। सवाल ये है कि वो कहां से लाते हैं इतनी एनर्जी। उनके हिसाब से इतनी एनर्जी और डिटर्मिनेशन हम सबके अंदर होती है, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ 40% पर रुक जाते हैं। जब आप दौड़ रहे होते हो, बहुत मेहनत कर रहे होते हो और आपका दिमाग कहता है कि बस बहुत हो गया, तो आप सिर्फ 40% पे ही होते हो। गॉगिंस बताते हैं हमें गवर्नर के बारे में। हर गाड़ी में एक गवर्नर होता है जो मैक्सिमम स्पीड से गाड़ी को आगे जाने नहीं देता है। गाड़ी का पोटेंशियल होता है और भी ज्यादा, लेकिन गवर्नर लगाया जाता है सेफ्टी के लिए। वैसे ही हमारे दिमाग में भी एक गवर्नर होता है जो थोड़ी सी मेहनत के बाद कहने लगता है बस बहुत हो गया। इस आइडिया को कुछ साइंटिस्ट भी सपोर्ट करते हैं। टिम नोक्स जो प्रोफेसर है एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स साइंस के, उन्होंने सेंट्रल गवर्नर थ्योरी दी है जिससे हम 40% रूल समझ सकते। इस थ्योरी के हिसाब से जब आपको फटीग आता है या आप बहुत ज्यादा थक जाते हो तो वो सिर्फ मसल एक्सर्शन की वजह से नहीं होता, बल्कि हमारा दिमाग कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता रहता है कि कितनी देर एक्सरसाइज करनी है, कितनी एनर्जी बाकी है, बॉडी का टेम्परेचर क्या है। इस इन्फॉर्मेशन से वो हमें फीलिंग्स देता है फटीग का और वो कहता है कि बस बहुत हो गया। लेकिन डेविड गॉगिंस ने सीख लिया कि इस गवर्नर को काबू में कैसे करना है। जब गवर्नर कहता है कि बस बहुत हो गया, गॉगिंस कहता है अभी तो बस शुरू हुआ है। इसको आप अपनी लाइफ में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप कोई फिजिकल मेहनत कर रहे हो और आपका दिमाग कहे कि बस बहुत हो गया, थोड़ा आपको और पुश करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एकदम इंजर हो जाओ, लेकिन थोड़ा और करने से आपकी लिमिट्स एक्सपैंड होती हैं। आप अपने दिमाग को काबू में कर पाते हो और फ्यूचर में आप अपने आप को और भी ज्यादा पुश कर पाओगे। और नेक्स्ट टेक्निक जो सबसे ज्यादा पावरफुल एंड ऑल्सो डेंजरस है वो है टेकिंग सोल्स। हेल वीक के बीच में डेविड और उनके साथी सब थक चुके थे, उनके शरीर से खून और पस निकल रहा था और दिमाग से तो सब ज़ॉम्बी बन चुके थे। इंस्ट्रक्टर्स ने डेविड और उनकी टीम को सिंपल बोर्ड रेजेस करने के लिए कहा, लेकिन सब थक चुके थे। इंस्ट्रक्टर्स हर वक्त उनकी कमजोरी को ढूंढ रहे थे और डेविड को उन पे गुस्सा आने लगा। डेविड के घुटने में दर्द था, हर कदम चलने में तकलीफ हो रही थी और तभी उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर साइको पीट को अपना टारगेट बना लिया। डेविड ने डिसाइड किया कि अब गेम बदलना है और इंस्ट्रक्टर्स के दिमाग में जगह बनानी है। डेविड चाहते थे कि जब वो इंस्ट्रक्टर्स रात में वापस घर जाएं तो उनका क्रू बोट क्रू 2 उन्हें याद रहे, उनकी वजह से इंस्ट्रक्टर्स को नींद ना आए। उन्होंने ये कहा कि वो ऐसा परफॉर्म करना चाहते हैं कि इंस्ट्रक्टर्स बेचैन हो जाएं। इस प्रोसेस का उन्होंने नाम दिया टेकिंग सोल्स, मतलब वो दूसरे का सोल लेना चाहते। उन्होंने अपने क्रू को मोटिवेट किया और उन्हें बोट ऊपर उठाने के लिए कहा। कुछ ही सेकंड्स में डेविड की पूरी टीम में जान आ गई। उन्होंने बोट को उठाया, उसे पकड़ा और फिर से ऊपर फेंक दिया। उनकी तकलीफ और थकान गायब हो गई और सबने चैंट किया बोट क्रू 2। हेल वीक के सबसे टफ दिन पर डेविड का क्रू लाइटनिंग स्पीड से चलने लगा। इंस्ट्रक्टर्स के चेहरे देखने वाले थे, कुछ ने तो शर्म से अपनी आंखें मोड़ ली। सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर ही थोड़ा खुश लग रहा था। डेविड के हिसाब से टेकिंग समवन सोल गिव्स यू अ टैक्टिकल एडवांटेज। ये एक मेंटल गेम होता है जो आप अपने साथ खेलते हो, जिससे
आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। क्या सच में इंस्ट्रक्टर्स रात भर सो नहीं पाए उनका डिटर्मिनेशन देख के? पता नहीं, लेकिन डेविड ने अपने दिमाग में ये बात सच बना ली थी और इसी से उन्होंने अपनी टीम को सक्सेसफुली लीड किया। एक स्टडी बाय गर्ज गोरेन ने कम्पेटिटिव स्पोर्ट्स में ट्रैश टॉकिंग पे स्टडी किया। उन्होंने ये पाया कि खेलने से पहले अपने अपोनेंट्स को ट्रैश टॉक करना, उनको नीचा दिखाना एक्चुअली में आपको एडवांटेज देता है। लेकिन गॉगिन्स कहते हैं कि आपको हमेशा अपने एनवायरमेंट के हिसाब से ही ये करना होता है। नेवी सील्स में इंस्ट्रक्टर्स चाहते हैं कि आप ऐसे परफॉर्म करें क्योंकि वो आपको टफ बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप ऑफिस सेटिंग में अपने बॉस के साथ ये करेंगे तो हो सकता है आपकी जॉब चली जाए। तो इसीलिए आपको कॉन्टेक्स्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप मेंटल गेम जरूर खेल सकते हो। अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो तो आप चाइल्डहुड में अपने बुली के बारे में सोच सकते हो और मेंटली उसको चैलेंज कर सकते हो। इस तरीके के मेंटल गेम्स ही आपको एज देंगे और आपसे बाकी लोग पूछेंगे कि कहां से लाते हो इतनी एनर्जी। डेविड गॉगिंस की फुल स्टोरी जानने के लिए आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से वैल्यू मिली तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।